हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं मेरी प्यारी से यूट्यूब फैमिली। सबको जय माता दी। तो आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो ये ले लिया है चावल का डब्बा और इसमें से निकाल लेते हैं चावल। एक गिलास ले लिया है, एक गिलास चावल चाहिए देखिए। और गिलास में डाल लेते हैं चावल। और बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत ही पसंद आने वाली है, बहुत टेस्टी रेसिपी है और बिल्कुल सिंपल तरीके से ही बताती हूँ मैं आपको। और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है फ्रेंड्स। तो चलिए, एक गिलास चावल को हमने डाल लिया है गिलास के अंदर। तो इसको हम पैन में डाल लेते हैं, क्योंकि हम इसको पानी से धोएंगे ना, तो इसलिए हमने इसको पैन में डाल लिया है। गिलास चावल लिया है नाप के हमने। तो देखिए, चावल का डब्बा एक तरफ रख देते हैं, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो चावल को हमने ले लिया है और चलिए धोते हैं इसको पानी से, क्योंकि पाउडर से लगा होता है ना बहुत ज़्यादा इसमें, तो वाइट वाइट जैसे पानी डालेंगे तो बहुत वाइट वाइट निकलता है। तो हमें इसे 3-4 बार अच्छे से पानी से मसल मसल के धोना है, जब तक कि इसका पानी बिल्कुल साफ़ सुथरा दिखने नहीं लग जाता। वाइट वाइट पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी होना चाहिए। और 3-4 बार हम इसको अच्छे से धो लेंगे, जब तक साफ साफ पानी आ जाता है ऊपर, तो अच्छे से धो लेंगे। देखिए इसके चावल को, बिल्कुल सिंपल रेसिपी है, बहुत ही पसंद आने वाली है फ्रेंड्स आपको। तो देखिए चावल को धो लिया है और इसको जो ना हम भिगो के रख देंगे धोने के बाद। और बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं भिगोना है, 5-10 मिनट के लिए भिगो के रख देंगे। देखिए चावल को हमने भिगो के रख दिया है पानी पे। अब बाकी की तैयारी कर लेते हैं। इतने हम बाकी की तैयारी करेंगे ना, इतने भीगे रहेंगे चावल। तो एक प्याज लिए, एक टमाटर लिया है, एक आलू ले लिया है, 2 हरी मिर्ची लिए। तो प्याज को छील लेते हैं, देखिए छिलका नहीं उतारा है हमने इसका, तो अब उतार लेते हैं। तो जब पता नहीं कैसे प्याज आ रही है आजकल, जब छिलका उतारते हैं तो अंदर से ब्लैक ब्लैक्स निकलती हैं। और आजकल ज़्यादातर प्याज जो भी मैं छीलती हूँ ना, वैसे प्याज निकल रही है बिना धोए। छिलका उतारने के बाद धोने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ब्लैक ब्लैक्स लगा होता है। पहले जो प्याज हम छीलते थे ना, जो पहले आती थी, तो किसी किसी प्याज में बाई चांस निकलता था, लेकिन अब जितने भी प्याज छीलो उसमें ज़्यादातर निकलता ही है, ब्लैक ब्लैक से प्याज निकलती है छिलका उतारने के बाद। तो धो लिया है प्याज को हमने, देखिए, और ये वाइट वाइट निकाल दिया है। और देखिए हम इसको बारीक बारीक काट लेते हैं। पता नहीं कैसे प्याज आ रही है आजकल ना, बिल्कुल जो मैं तो जो भी प्याज छीलती हूँ ना, ब्लैक ब्लैक ही निकल रही है। पहले नहीं निकलती थी, पहले किसी किसी प्याज में ही निकलता था, ब्लैक ब्लैक निकलती थी, लेकिन अब जितना जो भी प्याज छीलो ज़्यादातर ऐसी निकलती हैं, अंदर से ब्लैक ब्लैक निकलती हैं। तो उनको धो के काटते हैं। तो देखिए प्याज को मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और बहुत ही आसानी से कट जाती है इस तरीके से, देखिए मैं तो इसी तरीके से काटती हूँ, हमारा तो रोज़ का काम है। तो देखिए अब जो ना ये हरी मिर्ची लिए 2, तो इनमें हमने कट लगा लिया है। और ये आलू को छील लेते हैं। देखिए एक आलू लिया है ना, इसको छील लेते हैं। तो बिल्कुल सिंपल रेसिपी फ्रेंड्स। होता है ना कभी कभी रोटी सब्जी खाने का मन नहीं करता सिंपल सा, और बहुत टेस्टी हो ऐसा खाने का मन करता है ना, तो बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनेगी फ्रेंड्स इस तरीके से, मेरे तरीके से। तो देखिए आलू को हमने धो लिया है और धो के हम इसको छोटे छोटे पीसेज में काट रहे हैं, देखिए इस तरीके से। तो हमने प्याज को भी बारीक बारीक काट लिया है और आलू को भी पतला पतला काट लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में। और टमाटर को जो ना हम घिस लेंगे बाद में। चलिए अब चलते हैं गैस सिलेंडर की ओर। चलिए तो गैस सिलेंडर के पास आ गए हैं और हमने चढ़ा दिया है भगोना गैस पर। और भगोना पतीला कुछ भी बोल सकते हैं आप, हमें भगोना बोलते हैं तो भगोना ही निकलता है मुँह से। तो देखिए इसमें ऑयल डाल देते हैं, और जो है ना हम इसमें आधा चम्मच से भी कम ऑयल डालेंगे, क्योंकि एक गिलास चावल है। तो जो हम सब्ज़ी बनाते हैं ना जिस चम्मच से, तो आधे चम्मच से भी मैंने कम ऑयल डाला है। तो मैंने चम्मच से नहीं डाला है, लेकिन मुझे रोज़ बनाती हूँ तो मुझे अंदाज़ा है, उससे कम ही डाला है। आधा चम्मच लगा लीजिए। तो तेल गर्म हो चुका है, इसमें आधा चम्मच हम जीरा डाल देते हैं। देखिए आधा चम्मच जीरा डाल दिया है, और जीरा को जो है ना हल्का सा फ्राई कर लिया है। और इसमें जो है ना 1/4 चम्मच हींग डाल देते हैं, हींग का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और अब इनको हल्का सा फ्राई कर लेते हैं, और गैस फ्लेम जो है ना मीडियम गैस फ्लेम है। तो देखिए अब हो चुके हैं ये जीरा, और अब इसमें हम हरी मिर्च डाल दिए। देखिए हरी मिर्च को हल्का सा फ्राई कर लेते हैं, और जो ना प्याज डाल देते हैं। और प्याज को जो ना हमें बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, हमें जो है ना हल्का सा कलर आना चाहिए, हल्का सा ही कलर लाना है सिर्फ। तो देखिए हल्का सा कलर इसमें आ चुका है, और बहुत ज़्यादा हमें जलाना नहीं है, बहुत ज़्यादा लाल नहीं करनी है प्याज, तो आ चुका है। तो देखिए हमने टमाटर को घिस लिया है, और अब हम टमाटर को डाल देते हैं। देखिए प्याज हमारे हो चुके हैं, सिर्फ हमें इतनी ही करनी है फ्राई। और टमाटर डाल दिया है घिसा हुआ, तो घिस लिया था हमने टमाटर को, देखिए वो डाल दिया है इसमें।
और मिक्स कर देते हैं इसको। और 1 मिनट के लिए हम इसके प्याज के साथ इसको भून लेते हैं टमाटर को। तो गैस सिलेंडर मेरा मोड़ी मीडियम है फ्रेंड्स, मीडियम गैस सिलेंडर पर कर रही हूँ मैं ये। तो देखिए अब हम इसमें मसाले डालेंगे। तो देखिए आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है और 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है और नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार देखिए। और जो ना हमारे 1 गिलास चावल है तो मैंने 1 चम्मच नमक डाला है, ये जो ना बिल्कुल सही है, जिसको जो नमक का अंदाज़ा नहीं है ना कि कितना नमक डालना चाहिए वो इस तरीके से नमक डाल सकता है। अगर आप 1 गिलास चावल ले रहे हैं तो आप 1 चम्मच भर के नमक डाल दें तो आपका ज़्यादा भी नहीं होगा कम भी नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट नमक रहेगा। तो देखिए मसाले हमने मिक्स कर दिए हैं, इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं क्योंकि मसाले हमें अच्छे से पकाने हैं फ्रेंड्स। तो मैं बता रही हूँ ना कि जिनको नमक का अंदाज़ा नहीं है तो वो इस तरीके से आधा गिलास चावल ले रहे हैं तो आधा चम्मच नमक डालें, 1 गिलास चावल ले रहे हैं तो 1 चम्मच नमक डालें, तो बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट नमक रहेगा आपका, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। तो जिनको नमक का अंदाज़ा नहीं है उनको लिए बताया मैंने। तो देखिए मसाले हमारे पक चुके हैं, तो मसाले के अंदर ना तेल ऊपर आना चाहिए निकल के, और मसाले का कलर चेंज हो जाता है ना तभी हमारा मसाला समझो पक गया है। तो मसाला पक चुका है, अब हम इसमें आलू डाल देते हैं। देखिए जो बारीक बारीक हमने काटे हैं पतले पतले, तो इसको जो है ना मसाले के साथ हम मिक्स कर देते हैं और मसाले के साथ ना हम इस आलू को भूनेंगे। तो देखिए हमने इसको मसाले के साथ मिक्स कर दिया है और इसको जो है ना हम 1-2 मिनट के लिए ढक देते हैं, ढक के पका देते हैं इसको मसाले के साथ। तो इसके जो फ्लेवर मसालों का सारा आलू के अंदर चला जाएगा। तो देखिए हमने इसको ढक दिया है, 1-2 मिनट के लिए ही हमें पकाना है। तो देखिए हो चुके हैं 2 मिनट, तो इसको जो है ना हमने मसाले के साथ अच्छे से पका लिया है देखिए। और अब हम इसमें चावल डाल देते हैं, तो चावल डाल दिए हैं। तो देखिए बिल्कुल सिंपल रेसिपी फ्रेंड्स, मेरे तरीके से आप ज़रूर बना के देखें। और अब तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे फेसबुक पर देख रहे हैं ये वीडियो तो फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, ऐसी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी रेसिपीज मैं लेकर आती रहती हूँ आपके लिए। तो देखिए चावल डाल दिए हैं इसमें, और 1 गिलास चावल था तो 2 गिलास हमने पानी डाल दिया है इसमें। तो देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप किस तरीके से बिल्कुल परफेक्ट, नमक भी बताया मैंने आपको, पानी भी बताया है, 1 गिलास चावल है तो 2 गिलास पानी, हल्का सा आप भगोने में जैसे बना रहे हैं ना खुला, तो आप थोड़ा सा और पानी डाल सकते हैं इसमें क्योंकि खड़े खड़े चावल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो देखिए मैंने ढक दिया, बिल्कुल खिले खिले चावल बनेंगे। तो इसको जो है ना हमने 1 उबाल लाना है, ढक दिया है ना फुल गैस फ्लेम का रखा है, और 1 उबाल के बाद हम जो है ना 1 उबाल लाना है, फुल गैस फ्लेम है हमारा। तो देखिए 1 उबाल आ चुका है, अब इसके बाद जो है ना हम इसको चला देंगे। तो चावल में हम पानी डालने के बाद हमने फुल गैस फ्लेम पर 1 उबाल लाना है, 1 उबाल ला दिया है और जो है चला दिया। अब इसको सिम गैस फ्लेम पर पकाएंगे देखिए, और 10 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाएंगे। सिम गैस फ्लेम कर दिया, अब इसको छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी, इसको बनने के बाद ही छूएंगे अब। तो देखिए बन चुके हैं, ये गैस फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है देखिए। और तो हम चेक कर लेते हैं कि गले हैं कि नहीं इस तरीके से, तो गल तो चुके हैं लेकिन मैं आपको दिखाने की वजह से कर रही हूँ। तो देखिए गल चुके हैं, और अब हमने गैस फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब जो है ना इसको हम ढक के रखेंगे, हम जो है ना बनते ही नहीं छेड़ना चाहिए, हमें जो है ना ढक के रख देना चाहिए। 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे इसको, तो जब बहुत अच्छे ये हो जाएंगे और भी। तो देखिए तो 10 मिनट बाद हमारे चावल को दिखाती हूँ मैं कितने खिले खिले बने हैं। तो देखिए बहुत ही खिले खिले बने हैं और बहुत ही टेस्टी बने हैं, और आप इसमें जो ना कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ आलू डाले हैं क्योंकि मुझे आलू डाल के बनाने थे, बहुत ज़्यादा मुझे कुछ नहीं डालना था इसमें। तो देखिए कितने खिले खिले बने हैं देख सकते हैं आप, और बहुत ही टेस्टी बने हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने बताया आपको, बिल्कुल सिंपल तरीका होता है मेरे बनाने का। और मेरे तरीके से आप ज़रूर बना कर देखें, आपको ये बहुत ही पसंद आएंगे फ्रेंड्स। और इस पर जो ना गर्म गर्म पर देसी घी डाल के खाएं तो बहुत ही टेस्टी हो जाते हैं और भी। तो देखिए हम तो भाई ऐसे खाते हैं, घी के बिना हमें तो मज़ा नहीं आता। तो देखिए इस तरीके से देसी घी ज़रूर डालते हैं, और ठंडे चावल तो ठंडे हो जाते हैं तो उतने टेस्टी नहीं लगते, गरम गरम ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं क्योंकि घी तो गरम गरम ही डलता है ना। और एक चावल ले लिया छोटा सा, और दही लेंगे देखिए इसमें। और फ्रेंड्स आप मेरे तरीके से ज़रूर बना के देखें, आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। और रेसिपी थोड़ी सी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। तो देखिए फ्रेंड्स हमने सर्व कर दिया है, और